नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के बाद पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के विसर्जन वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विसर्जन की बात छोड़िए, लालू जी चाहे तो गोली भी मरवा दे। साथ ही नीतीश कुमार ने दोनों विधानसभाओं में चुनाव प्रचार के बाद कहा कि जनता का मूड उनके समर्थन में है और दोनों जगहों पर एनडीए की ही जीत हो रही है। अब जनता मालिक है, ऐसा करें तभी जा रहे हैं सर। जाए ना भाई, सबको अपना जाने का, उसमें हम लोगों को क्या करना है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना। रोजगार का मुद्दा सर, महंगाई का मुद्दा कर रहे हैं क्या? रोजगार हुआ नहीं, नहीं कुछ मतलब नहीं है। आप देख नहीं रहे कि कितना ज्यादा हम लोग रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, और सबको नहीं पता है अभी एक डेढ़ साल से जो कोरोना का दौर चल रहा है, और इसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज के लिए, रोजगार के लिए जो प्रबंध किया है, और हर क्षेत्र में इसके लिए जो भी काम हो रहा है, चाहे शिक्षक के नियोजन का हो, सरकारी सेवाओं के विभिन्न विभाग में सेवाओं का निरीक्षण उसके लिए हो, वो इम्प्लॉयमेंट हो, उस सब के लिए काम शुरू है। अब किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या दौर चल रहा है, क्या स्थिति है, ये सब की कोई जानकारी नहीं है, तो उसको क्या कहना है। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और जान लीजिए कि जो लोग ये सब डिमांड रखते हैं, जिनको काम करने का बहुत मौका मिला, 15-15 साल मौका मिला, कई लोगों को इम्प्लॉयमेंट दिए, इसलिए इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है। और हम लोग तो कर ही रहे हैं, और आप जानते हैं सिर्फ इम्प्लॉयमेंट की बात है, लोगों को और भी जो रोजगार के अवसर मिले, तो आप जानते हैं ना, हम लोगों ने तो पिछली बार कर दिया था, अनुसूचित जाति जनजाति को जो अगर करेंगे तो 5 लाख रुपया का अनुदान, 5 लाख रुपया का ऋण बिना कोई टैक्स के, ये करवाया। बाद में हम लोगों ने उसी में अति पिछड़े वर्ग को शामिल किया, और अब इस बार क्या किया, सारी महिलाओं को, उनके अलावे भी सब तरह की महिलाओं को भी पूरा का पूरा 5 लाख रुपया का अनुदान, और 5 लाख रुपया बिना टैक्स के उनको ऋण मिलेगा। और उसके बाद जो बाकी समुदाय के लोग, उन सभी समुदाय के लोगों को भी 5 लाख रुपये का अनुदान। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक कुमार के समर्थन में आयोजित आम सभा में शामिल हुए। इस मौके पर रंजीत रंजन, कन्हैया कुमार समेत कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। अभी कश्मीर में मजदूर डाले गए, 1 रुपया नहीं दिया किसी ने, पप्पू यादव अररिया में जाके तीनों परिवार को 50,000 रुपया, क्या नीतीश कुमार क्यों नहीं दिए? मुसार जाति से थे, क्यों नीतीश कुमार जी नहीं दिए? क्यों नहीं गए लालू यादव दिया? क्यों, क्या कारण है? जब दशरथ मांझी की मौत हुई तो पप्पू यादव वो घास की रोटी खा रहा था, हम 2 लाख रुपया गया में जाकर के उसको पहुंचाए, 2 लाख बाय अकाउंट दशरथ मांझी के परिवार को, नेता रंजीत रंजन के अकाउंट से 8,000 रुपया आज 10 साल से चले उसके अकाउंट में मैं भेजता हूँ। बेगूसराय में कोरोना टीकाकरण को लेकर 28 अक्टूबर को महाअभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर जिले भर में 606 केंद्रों पर करीब 1 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर पूरे जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को टीका मिल सके। वहीं डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने इसकी अधिक जानकारी भी दी। एक तो टीकाकरण की वर्तमान स्थिति क्या है, और हम लोगों ने जो सर्वे के बाद भी जो हम लोग को एग्जैक्ट डेटा भी मिला है कि कितना लोग हमारे यहाँ अभी टीकाकरण के डोज 1 से वंचित हैं, उसका भी हम लोग प्रिसाइज ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया गया है, घर घर जाके हमारी आशा की टीम के द्वारा, उसका भी डेटा के बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। तो अभी जो हम लोगों के पूरे अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाते हुए जो वर्तमान स्थिति है, जो लक्षित आबादी थी 18 साल से उम्र से अधिक जो व्यक्ति थे, उनकी संख्या लगभग जो एस्टिमेटेड थी वो 20,49,001, और उसमें से अभी फर्स्ट डोज जो एग्जैक्टली हम लोगों के पास अभी आज की तिथि में जो डेटा है, 13,98,785 व्यक्तियों ने ले लिया है, जो कि टोटल लक्ष्य का 68.27% होता है। इसका मतलब अभी भी लगभग इसके हिसाब से लक्ष्य का 32% लगभग अभी शेष है। और जो सेकेंड डोज भी ले लिए हैं, मतलब जिन व्यक्तियों ने दोनों डोज ले लिए हैं, उसकी संख्या अभी 4,19,980 है, जो कि फर्स्ट डोज का 30% लगभग होता है।
तो अभी भी हम लोग इससे देख सकते हैं कि जितना लक्ष्य था उससे 32% अभी लोगों ने एक भी डोज नहीं लिया हुआ था। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के उद्देश्य से कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, क्योंकि ये मतदाता सूची के आधार पर डेटा जो लक्ष्य निर्धारित हुआ था। सुपौल में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गणपतगंज एनडीआरएफ की टीम द्वारा दौड़ लगाकर लोगों को आपसी एकता का एक संदेश दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर राजन कुमार के द्वारा किया गया। इस आयोजन में दो समुदायों ने एक साथ दौड़ कर लोगों में एकता की भावना को जागृत किया। बेगूसराय के बलिया नगर परिषद ऑफिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिया नगर परिषद वार्ड नंबर 17 में सड़क की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की, ताकि जो गांव वालों का रास्ता है वह सही हो सके। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में चौक चौराहों पर शौचालय का निर्माण करने, विभिन्न सरकारी पेंशन को समय पर देने सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया गया। 10 से 15 साल हो चुका है, ये आपको हम नक्शा के तौर पर दिखा रहे हैं। ये अतिक्रमण सीधा रोड आया और यहाँ पे इंक्रोचमेंट करके रखा है। आज से 10 साल 15 साल पहले भी नोटिफिकेशन यहाँ के सीईओ साहब दे चुके हैं कि आप इसको अतिक्रमण मुक्त कर लो, सरकारी नाफी हो चुका, सब चीज हुआ, वो सरकार की जमीन है और जनता का रोड है वो। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद राम कृपाल यादव ने पटना ग्रामीण भाजपा के तत्वाधान में दुल्हिन बाजार प्रखंड के बदुड़ी और पालीगंज प्रखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारियों के बीच थैलों में मुफ्त राशन का वितरण किया। सांसद ने कहा कि इस योजना के तहत पूरे देश में कोरोना के दोनों लहर में 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। बेगूसराय में पंचायत चुनाव के बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक पर लोड 428 कार्टून विदेशी शराब के साथ ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के देरियापुर निवासी मोहम्मद शाहरुख को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है। बेगूसराय में दो प्रखंडों के 22 पंचायतों में मतगणना किया गया। बखड़ी प्रखंड के घाघरा पंचायत से सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के भाई मुखिया का चुनाव हार गए। पंचायत चुनाव में विधायक के भाई रविकांत पासवान मुखिया पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे जरूर, लेकिन वहां से नंदकिशोर तांती मुखिया चुनाव जीत गए हैं और विधायक के भाई तीसरे स्थान पर रहे। विधायक जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसलिए उनके बारे में क्या कहना। पंचायत का विकास करेंगे, युवाओं को साथ लेके चलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।